मजबूर बेबस समझती हो? तुम उसे इतना प्यार करती हो, मुझ पर जान निछावर करती हो, और मेरे बेटे से इतनी उलझन, बल्कि इतनी नफरत। तुम्हारे लिए सेट लेने के लिए मैं खुद कभी नहीं जाऊं, तुम्हें साथ लेकर जाऊं। ईमान से, बड़ी दबंग लड़की हो तुम। हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे जी, हम नहीं सुधरेंगे। पापा, हाय। ये अल्लाह खैर, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? अरे पापा, आपा पहली दफा थोड़ी हुआ है, तीसरी बार हुआ है। फरीदा, अरे वो बटवार मोबाइल मांग रहे थे, मैंने देने से इतराज किया तो घूंसा मार के। ये अल्लाह खैर, ये क्या हो गया आपको? ऐनक भी तोड़ डाली मेरी, बनवाने जाता हूँ। अरे बैठे रहिए आराम से। फरीदा जल्दी से दूध हल्दी लेकर आओ। दूध तो खत्म हो गया आपा। मैं जाती हूँ ताशी के साथ, लेकर आती हूँ। अरे क्या जरूरत पड़ी थी उस घटिया से मोबाइल के लिए, उन गुंडे मवालियों से हाथापाई करने की? अरे वो बटवे में बिजली और गैस के बिल के पैसे भी तो थे। आए। अरे चलिए, आपकी जान का सदका गया, मैं पानी लेकर आती हूँ। देखे तो क्या हशर हो गया, कितनी चोटें लगी हैं। मैं अभी लेकर आई पानी। ऐनक भी फिर बनवानी पड़ेगी। टैक्सी आ गई मेरी, इजाजत दे मुझे। बहुत मिस करूंगी मैं आप, और जल्दबाजी नहीं करेंगी। ये कुछ महीने भी आपकी वजह से किसी ना किसी तरह बस, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। खुदा हाफिज़। तूने सेट पसंद करके दिया था ना, हम ब्रेन को बड़ा ही अच्छा लगा। अरे फेसबुक वाली का तो बताना ही भूल गया। अबे बाप रे बाप, उसने मुझे क्या रिजेक्ट करना था, इतनी बुरी थी कि मैंने ही उसे रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल गधे हो तुम। कला बड़ी डिमांड में है, खासतौर पे पंजाब में तो बहुत ज्यादा। ऐसे एक बात है, टेस्ट अच्छा ही होगा, तभी तो लोग पकड़ नहीं पाते। एक मिनट। हाँ भाभी बोल। पुलिस? नहीं, मैं करता हूँ सगीर को कॉल। हाँ तो फिक्र क्यों कर रही है, मैं कह रहा हूँ ना सगीर से बात करता हूँ। तुम बड़ा एंजॉय करती हो उसकी कंपनी, सारे जहान का छटा हुआ लोफर है। एक बात कहूँ सच सच, अभी मैं जिस फेस से गुजर रही हूँ और जो मेरे घर का माहौल है इस वक्त, मुझे वाकई इसकी बातें अच्छी लगती हैं। दिल बहल जाता है, और दिल को बहलाने के लिए ये सोचा नहीं जाता कि वो क्यों और किस वजह से बहल रहा है। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा दिल बहल जाता है, गुड है। तुम्हें भी इन सारी बातों की गठरियां खोलने के लिए यही वक्त मिला था? शोएब को फोन करो और अपने घर जाओ, अभी के अभी, फौरन अपने घर जाओ। वैसे भी सबकी नजरें लगी हैं हमारे घर पर। ये भी कोई तरीका है, मुंह उठाया घर चली आई? घर था इसीलिए मुंह उठाकर चली आई, वरना कहीं और चल जाती। जुबान मत चलाओ, वही वजह होगी ना। ये ऐसी नामकूल और वाहियात वजह पर कौन आते हैं अपने ससुराल छोड़ के? काश अंदाजा होता आप में से किसी को।
जाओ, फोन करो उसे और माफी मांगो। माफी मांगू मैं? हाँ, तुम माफी मांगो और जाओ अपने घर। वैसे भी इस घर में अब तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं, जाओ अपने कमरे में। अनवार, तू तो इसको शह मत दो, इस तरह से बसते हैं घर लड़कियों के। तो क्या करूं, उठा के बाहर फेंक दूं उसे, ताकि जज्बाती पन में जो मर्जी आए वो कर बैठे। बहुत देखे हैं ऐसी ज़हनियत के लोगों को बाद में पछताते हुए। मैं शोएब को फोन मिलाती हूँ, आप उसे खाने पर बुलाएं। अरे इसका तो बाप भी माफी मांगेगा उससे। ठीक कह रही है फरीदा। देख भाई बंदी मैं कह रहा हूँ, छोड़ देता हूँ ना घर। यार ये तुम सारी लड़कियाँ तमाम मर्दों को इतना दिल फेंक और आवारा किस्म का क्यों समझती हो? हाँ माना दुनिया में अच्छे मर्दों की तादाद कम है, लेकिन अल्लाह की कसम मैं उसी किस्म में से हूँ। और मेरी तो कोई डिमांड भी नहीं होगी, जैसे जूस पिला दो या कॉफी पिला दो वगैरह वगैरह। गाड़ी तो स्टार्ट करो। पक्का? एक अच्छा जी, खुदा हाफिज, इंतजार रहेगा आपके जवाब का। जी जी, चलिए ठीक है। जवाब रहेगा आपका इंतजार का। कौन थी औरतें? इनके दोस्त जुबैर की बहनें थी। याद है एक डेढ़ साल पहले जुबैर की बीबी के मरने पर पुरसा देने गए थे उसके घर? हाँ हाँ, मैं भी कहूँ वो जानी पहचानी सी शक्लें लग रही हैं। क्या कह रही थी? रिश्ता मांगने आई थी दोनों बहनें, सामिया का अपने रणवे भाई के लिए। शर्म नहीं आई उनको? सामिया तो जुबैर अंकल कहती है। लड़की जब दूसरी बार घर आकर बैठ जाए तो समझो हर एक की दस्तरस में हो जाती है, उस पर भी लोग एहसान जताते हैं। सच कहें तो हौल उठ रहे हैं हमारे दिल में। अगर अब सामिया की शादी होगी तो ये उसकी तीसरी शादी होगी। मेरा दिल भी ये सोचकर बैठ सा जाता है। आपा हमारा ख्याल है जितनी तबाहियां बर्बादियां आनी थी आ चुकी, बस अब घर बैठे इज्जत के साथ। औरत की तीसरी शादी का लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे घटिया घटिया बातें करते हैं। जबान जहान है, इस तरह घर बैठाओगे तो जुल्म नहीं करोगे उस पर? पता नहीं क्या से क्या हो गई। भाभी, चाचू आ गए। मेरा बंदर, चाचू तनख्वाह मिली या नहीं मिली? अरे यार मिल गई है बंदरो, मिल गई है तनख्वाह। इतनी फिक्र तो मेरी माँ को नहीं होती थी मेरी तनख्वाह की जितनी तुम लोगों को होती है। चाचू ऐसे ही खिला रहा हूँ। चाचू मैं भी खाऊंगी। दोनों खाओगे? चलो जाओ, दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। ये जो फकीरों वाली हालत बनाई हुई ना, ये देखो ये जाके अब दो कपड़े अपने, चलो जल्दी भाग के जाओ। भाभी आ गया वो चोर का बच्चा। आके वास्ते तू ना मारना, पुलिस वालों ने बहुत मारा है, मेरे बच्चे का पूरा मुंह सूज गया। अच्छा है साले को मार देते, गंदे लोग गंदी गैदरिंग। बिशारत मैंने बहुत कसमें वादे लिए हैं, आइंदा नहीं करेगा। छोड़ दे भाभी, तूने पहले भी बड़े कसमें वादे लिए थे उससे। यतीम बच्चा है ना, बाप के प्यार को तरसा हुआ,
मैंने काम किया उसके लिए, भाई के मरने के बाद इतना ख्याल रखा मैंने उसका, और ये नतीजा मिला है मुझे। इन भाई ने भी सारी जिंदगी यही तो किया था, चोरी चकारी लूट मार, अपने बाप पर ही जाएगा ना ये भी। अरे मैं तो दुआ करती हूँ तुझ पे चला जाए, तू तो हीरा है, तेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं, है ही नहीं, होगा क्या। चाय पिएगा अच्छी सी, मैं अपने शहजादे के लिए बना के लाती हूँ। सब मिलकर बनाओ मुझे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम गली के रास्ते से आया जाया करो। क्यों? सारी औरतें चमगादड़ों की तरह लटकी रहती हैं बालकनियों से, पता नहीं अब कौन से इंकशाफात की मुंतजर हैं ये खोजी औरतें। तो वैसे भी ये महल्ला रहने के काबिल ही नहीं रहा, तमाम बुरे बुरे लड़के टोलियां बनाकर इधर उधर फिरते रहते हैं, और जिस घर में लड़कियां हो वहां स्टॉप बना लेते हैं। तुम्हारे अब्बा आज फिर लूटे गए, मोबाइल भी गया और 7,500 रुपए। कराची में तो मोबाइल चलना रोजमर्रा की बात हो गई है। तुम्हारी बहन साहिबा भी आ गई, अब क्या हुआ? वही पुराना किस्सा, बदबू के झोंके। हमें तो चुटकी डेढ़ चुटकी सुकून ला कर दे दे कोई कहीं से। फुप्पो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? नहीं, मगरिब के बाद अगर मैं चाय पी लूँ ना तो सारी रात करवटे बदलती रहती हूँ, तुम बैठो मैं बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय बनाने में क्या है, 2 मिनट में बन जाएगी। मैं क्या बात है अम्मी? परेशान है अनवार का दोस्त नहीं जुबैर, उसकी बहनें आई थी आज तुम्हारे लिए जुबैर का रिश्ता लेकर। खलील के बाद लगता है सारे उम्र रसीदा लोगों के लिए हमारे घर के दरवाजे खुल गए। अब मैं तीसरी शादी किसी बुड्ढे से नहीं करूंगी। तीसरी चौथी क्या, अब तो इस घर में शादी का मौजू ही नहीं उठेगा। तुम भी शुरू हो गई, अल्लाह पर छोड़ दो। जब कहता है ना कि सब अल्लाह पे छोड़ दो, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे जो दिल में है हम तो वही करेंगे, और मैं सच में वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं तीसरी शादी करने के लिए मरे जा रही हूँ, लेकिन हाँ ये मेरी जिंदगी है और इसके सारे फैसले मेरे अपने हैं। कोई दखल देने का सोचे भी क्यों, है ना? आ गए, मेरे लिए क्या लाया? अंदर तो आ लेने थे, बड़ी नतीदी है तू। ये ले बंद कबाब है। हाय हाय, तली हुई मछली ले आता ना, कितना दिल चाह रहा था खाने का। खिला दूंगा, पानी तो पी लेने दिया कर। ये मैं ले लूं अम्मी। कितना खाया उसने अम्मी, फिर भी इसकी नियत नहीं भरती। तू चुप कर, तूने यूनिफॉर्म इस्तरी किया, सुबह क्या पहन के जाएगी स्कूल, और तू होमवर्क खत्म कर, चल अंदर। लेके आ रहा मछली। सुन ना, मुझे भी ले जाना साथ, मैं ज्यादा दिन घर में काम कर करके पागल हो गई हूँ। देख तेरी वजह से इस घर में टिकी हुई हूँ मैं। तुझे रखने वाला था कौन? 7 भाइयों की एक बहन थी तू, लेकिन उन पे भी मारी थी। तो चला आज ठुसाता हूँ तुझे मछली, चला। देख बशारत, जब माँ मर जाती है ना तो भाई सिर्फ मर्द रह जाता है, भाई नहीं रहता। तू डायलॉग बाजी मारनी कब बंद करेगी, तेरी जुमलेबाजी खत्म ही नहीं होती है ना। से ये शर्ट कितनी अच्छी लग रही है ना, है ना? ऐसे मैंने मलमल के धोई है, इसे लश्कारे मार रही है भाई, वाह। लश्कारे तो मार रही है, लेकिन तू मस्के मारने बंद कर, मैं तेरा इंतजार करूं, जल्दी आ वरना छोड़ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं करा, स्वीटी अंदर से दरवाजा बंद कर दे। कराची वालों से ना चाय नहीं छूटती, मेरा 7वां कप है। तुम ड्रामा कौन देख रहे हो आजकल? भाई कसम से
दो शादियों के बाद ना मेरा तो ड्रामों से दिल भर गया। आम जिंदगी में जो ड्रामे होते हैं वो ज्यादा सनसनी खेज होते हैं इन प्रेडिक्टेबल कहानियों से। वही मनहूस मारी हीरोइन मर जाएगी लेकिन मुंह से कुछ ना फूटेगी जिसकी वजह से गलत फहमियां पैदा होंगी और फिर ड्रामे की 26वीं या 28वीं किस्तें पूरी हो जाएंगी। वापस आ गई हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हमेशा हमेशा के लिए। इसकी आगे कुछ भी मत बोलना। ये बात तुम लोगों के लिए मामूली है लेकिन ये बात मेरे लिए मामूली नहीं है। मुझे कोई नसीहत कोई मशवरा नहीं चाहिए। चाय पियो ठंडी हो रही। हाँ 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 मजा आ गया भाई। थोड़ी सी मैंने खाई थी फिर एक तेरे लिए ना बनवा के ले आई। अब जल्दी जल्दी खा ले। तेरे चाचू ने देख लिया ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। उसको तो पता नहीं आग लगी रहती है मुझसे। हाँ हाय हाय तूने अपनी हरकतें देखी हैं? इस घर में मिलता ही क्या? क्या सब्जी दाल ये लंडे के कपड़े? जहर लगता मुझे लंडे के कपड़े। सच में मुर्दा अंग्रेजों के कपड़े होते हैं और 10 दफा धो लो वही बदबू रहती है। इंसान भी ना लंडे जैसा लगने लगता है। तेरा चाचू ना होता ना तो हम लोग किसी सड़क पर भीख मांग रहे होते इस वक्त। क्यों मांग रहे होते? क्यों मांग रहे होते? चोरी करके पैसे कमाते अयाशी करते ते आराम से जिंदगी गुजारते। और क्या और भाई बहुत पैसा है चोरी के पैसों में। बस बंदे को ना ध्यान से काम करना चाहिए और कुछ नहीं। ये मैं हमेशा ये काशी की वजह से फंस जाता हूँ। अब नहीं रखूंगा सर। अब कसम वो मकाल में सुना रहा था मुझे फिल्म के। मानना नहीं चाचू मानना नहीं। पिछली बार भी कस के चमाट मारा था अभी तक उल्टे कान से सही से सुनाई नहीं दे रहा। तो समझा ले इसे भाभी खराब कर रही है इसको खुद। मैं तुझे बता रहा हूँ मारा जाएगा किसी दिन पुलिस मुकाबले में। ये मैं तो इसकी लाश भी नहीं लेने जाऊंगा बेगैरत की। चुप कर जा खबरदार जो इस यतीम बच्चे के लिए ऐसी कोई बकवास की तूने तो। हमें खिलाता है तो इसका ये मतलब है हमारी जिंदगियों पे कब्जा करके बैठ जाए तू। मेरा बच्चा अभी 16 का भी नहीं हुआ पूरा। 17वां साल तो चढ़ना भी नहीं है इसका। इसके नसीब में ही नहीं है। जिन आवारा लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया ना ये मरवा के छोड़ेंगे तेरे लाडले को। थाने में हाजिरियां देने वाले लड़कों के बीच में फंसा हुआ है ये। हाय हाय तेरी जबान नहीं लड़खड़ाई ऐसी बातें करते हुए। खुदा का खौफ नहीं आया ये बकवास करते हुए? तुम्हारा पकड़ा गया ना तेरा ये लाल तेरी पूरी फैमिली को घर से बाहर निकाल करूंगा। बड़ा गुरूर है तुझे अपनी कमाई पे है। सब जानती हूँ मैं कौन तेरे दिमाग में ये सब कुछ भरता है। गजाला है ना? गजाला भड़का रही है ना तुझे? बता मैं कुछ चूसनी चूसने वाला मुन्ना नहीं हूँ। मेरे पीछे पड़ाने वाली तू खुद और अपने ही सप्लाई की हुई आइटम से इनकार। तू तो बड़ी बेईमान निकली है ट्रंप की फुप्पी। अब वो कौन है? तेरे खानदान की एक नस्ल है। और तू सुन ले तुझे इतनी कुट लगाऊंगा ना कि दोबारा किसी का बटवा या फोन छीनने की हिम्मत नहीं होगी तुझमें। काबिल नहीं रहेगा इसकी। साला खुद को बड़ा हीरो समझता है। 2% का एक्टर। वो बातें जो तुमने उससे की हैं, अगर मैंने एक दोस्त की हैसियत से सुनी होती तो शायद मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती। लेकिन फितरत से कौन लड़ सकता है आसमान। यार पुप्पो मैं तो दीवाना हो गया। वो जो कल तुमने चिटचाट पे अपनी वीडियो अपलोड की थी ना उसमें अनारकली के मुकालमे बोल रही हो क्या वीडियो थी यार? नहीं मैं तो नहीं थी। मैं क्यों करूंगी है ना ताची। आप रहने दें ये मैं कर लूंगा।
मुझे अस्मारा क्या छोड़ दो, मैंने उसके लिए उसकी पसंद का केक बनाया और कटलेट्स भी, तो मैं चाह रही थी। ठीक है, ले जाता हूँ मैं आपको, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा, बाहर गाड़ी में ही बैठ, जिसको जाना है वो जाए, जरूर जाए। इतनी बेताल्लुक है वो भी इतनी जल्दी? आपने पार्टी बदल ली है अम्मी, और कुछ भी नहीं है, वो आपकी दोस्त है और मैं आपका बेटा, और वैसे भी दुनिया में आजकल यार दोस्तों की अहमियत ही ज्यादा है। एनीवेज ले चलता हूँ आपको, ले जाने पर मुझे कोई एतराज नहीं। हाँ कौन है? आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ भाई। कौन है भाई? कैसी हो मित्रबा जी? ठीक हूँ। आज क्लिनिक की छुट्टी थी तो मैंने सोचा तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूँ। बशारत कहाँ है? अरे वो यहाँ कहाँ होगा, निकला हुआ है काम पर। चलो आ जाएगा। बच्चे कैसे हैं? अरे वो ठीक है, उनको क्या होना था? आय अल्लाह, ये क्लिनिक के रिसेप्शन पे बैठने के जॉब ने ना जान निकाल के रख दी है सच्ची मेरी। वैसे एक बात हो, देखो बहन बुरा मत मानना, कुंवारी लड़की पर इतना मनोटनो मेकअप ना अच्छा नहीं लगता, और क्लिनिक पे तो मर्द भी आते होंगे। हाय हाय भाई, तो जो मेरा बंदा है ना उसे मुझ पर ट्रस्ट है। हाँ मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है। अब शारत को भी ना मैं मेकअप में अच्छी लगती हूँ, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और कौन सा मैं अपनी नुमाइश कराती फिरती हूँ, अबाया पहन रखा है मैंने। हाय हाय, अबाया भी तो काफी चुस्त है ना मेरी बहन। ये तुम्हें मुझसे बड़ी जेलेसी हो रही है? अरे जेलेसी क्या, हसद। हाय हाय, मैं कौन सी अपाहिज हूँ, और वैसे भी मेरी कोई उम्र नहीं है बहन कि तुम्हें देख देख कर जल जल के आहें भरूं। वो तो जल्दी शादी हो गई थी मेरी छोटी उम्र में, पर ना तुम्हारी मेरी उम्र में 10-12 साल का फर्क तो है नहीं, मुश्किल से 2-3 साल का ही होगा। पता है ना क्यों आग लग रही है? ये तो 2 साल पहले ही शनाज बाजी ने भांप लिया था कि अमुतल चाहती ही नहीं कि उसके देवर की शादी। ऐसी भड़क पड़ती है जैसे ही बशारत तो तेरी शादी की बात होती है। हाँ हाँ, सोने की चिड़िया भी है देवर और क्या है? अब छोड़ो, मैं क्यों बोलूं, अपनी जबान गंदी करूं। हाँ तो बस फिर उठो, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो बशारत आएगा तब आइयो। चलो जा रही हूँ मैं, कौन सा उसके पर रेडियो पे। अरे अरे दरवाजा इधर है बीबी, चलो इधर। हाँ वहीं जा रही थी, चल जा। मेरी चीजें तोड़े ये अपने हाथों से बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए, बहुत मजे गए। थैंक यू। मुझे आपको खोने का सबसे ज्यादा अफसोस है। मैं क्या कह सकती हूँ, कह भी कह सकती हूँ मैं? वो कहता है कि मैं बेटा हूं और वो आपकी दोस्त है, और दोस्त का नंबर सबसे पहला होता है, दूसरे लोग बाद में आते हैं, बल्कि बहुत बाद में। आप उसके साथ आई? अंदर नहीं आया वो? किस मुंह से आप? मैं तुम पे तंस नहीं कर रही, वो बातें जो तुमने उससे की हैं, अगर मैंने एक दोस्त की हैसियत से सुनी होती तो शायद मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती, लेकिन फितरत से कौन लड़ सकता है अस्मारा? माँ शायद इतनी ताकतवर होती है कि भले वो औलाद से कितनी लाताल्लुक रहे, उसे एक लम्हा दरकार होता है माँ बनने के लिए। बता रही हूं ना, वो बातें एक दोस्त बनकर नहीं सुनी, एक मां बनकर सुनी है, और मां का दिल तो होता ही पानी से लबरेज। क्या बताऊं, कितनी बार छलकी, कितनी बार टूटी,
और कितनी बार मरी नहीं बता सकती। खैर अब मैं चलती हूँ, वो बेचारा है बाहर इंतजार कर रहा है। रुक जाओ ना रुबीना। अब रुबीना ना कहो, आंटी कह दिया कर। क्या है ये? हाँ? ऐसे लग रहा है जैसे कोई भिखारन बैठी हुई या कोई बच्चे उठाने वाली। तो और क्या करूं? तुम्हारी भाभी जलील कर करके मुझे घर से निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊं? मैं तो इसलिए आई थी कि यार तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। भूल ही गई, तेरी एक चीज लाई हूँ, सारा मूड खराब करके रख दिया। ये देख। आई अल्लाह, कार्ड लेना तो भूल ही गई, सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे पैसे दे दियो, मैं खुद ले लूंगा। तू भी ना। अच्छा चल, बर्थडे की खुशी में मुझे कुछ खिला। पागल हो गई है क्या? हा? ये 250-250 का जाली परफ्यूम दे के तू चाहती है कि मुझे 1000-1200 की ठोक जाए? बता रही हूँ मैं तुझे, मैं बता रही हूँ, तू कान खोल के सुन ले। शादी के बाद ना मैं तेरी उस भाभी के साथ नहीं रहूंगी। इतने लोगों की कफालत का कि तूने ठेका उठा रखा है और एक भाभी, तीन बच्चे, सारी जिंदगी क्या उनकी कफालत करेगा? कोई आसान काम है? चल किसक ले यहाँ से। कौन है वो? मेरा भतीजे भतीजी है मेरी। और भाभी? भाई माँ है उनकी और क्या। और तेरी? तेरी भाभी है वो, समझे? तब ना जा रही हूँ मैं। चल ले, जा अपनी भाभी के पास। रोकेगा नहीं मुझे। तू कोई रिक्शा है तुझे रोकूंगा। चल निकल। मैंने फैसला कर लिया, छोड़ दूंगा उसे। ये तो सामिया का दुपट्टा है नया, देख लेगी ना तो बहुत चूं चूं करेगी। अरे पप्पू कुछ देगी तो बातें कुछ नहीं होता। ये लगाएं लाल वाली। नहीं 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 नहीं, लाल वाली लिपस्टिक मैं नहीं लगाऊंगी। तुम्हारी अम्मी की जो है ना वो प्यासी लिपस्टिक, वो ले आओ, वो लगा ले। वो आपको नहीं पता, सोशल मीडिया में ना बड़ा टिप टॉप बनकर आना पड़ता है। उससे भी बड़ी बड़ी उम्र की औरतें ना पार्लर से तैयार होकर आ रही होती हैं। ये तो है। वैसे काशी अब मेरी इतनी उम्र नहीं है, ये तो तुम्हारे पप्पा की नागानी मौत की वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ। मैंने तो अपनी उम्र की कितनी औरतों को जीन्स और टी शर्ट पहने डिफेंस और क्लिफ्टन में कुत्ते टहलाते देखा है, और जब कुत्ते नहीं होते ना तो फिर अपना शौहर। पप्पू यही जबान दराजी और चटपटी बातें तो चाहिए आपकी। पप्पू को जबान दराज कह रही है, शर्म आनी चाहिए। अच्छा ना पप्पू, अनारगली बनना है, वही जो हमने कल प्रैक्टिस की थी ना। बस हाँ ठीक है, अब यहाँ आ जाए। कहाँ? यहाँ, यहाँ फोकस अच्छा आ रहा है, इधर। ठीक है, जैसे मैं 5 बोलूँ ना आप शुरू हो जाइएगा। भाई जो मेरे मुंह में आएगा मैं वो बोल दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलें। 1, 2, 3, 4, 5। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, उठिए और जाकर देखिए लंगर खुला है कि नहीं। उठिए जिल्ले इलाही, जाकर चने का पलाव और जर्दा लूट के खा लीजिए। हाय जिल्ले इलाही, आप तो घर बैठ बैठ कर बिल्कुल बेगम नवाजिश हो गए। हाँ, और आपने मेरी सुर्खी अपने होठों पर लगा ली, बहुत नाच पिटे हैं आप, आपकी तो ठुकाई होनी चाहिए। जिल्ले इलाही, उतारिए ये शाही पोशाक और जाइए ज़ैनब मार्केट, और वहां से ढीली ढीली टी शर्ट और निकरे लेकर आए, 2 मर्दाना और 2 जनाना। कट। वाह पप्पू जबरदस्त है, ठीक हो गया? बहुत अच्छा किया है आपने, देखें जरा, देख कितनी प्यारी लग रही है मेरी पप्पू।
बशारत ले दूध पी ले। भाभी पागल हो गई है क्या? इस एक ग्लास से तो चार कप चाय बन सकती है। अरे तो क्या मैं देखती नहीं हूँ, सारा सारा दिन गधों की तरह तू काम करता है और फिर घर आते इस कंप्यूटर पे बैठ जाता है टाइपिंग कर रहे हैं। अरे मैं तो कह रही हूँ मुझे सिखा दे टाइपिंग, बड़ी अच्छी उर्दू है मेरी। हल्दी वाला है, सारी थकन दूर हो जाएगी। भाभी बदमजा है भाभी। पी ले, ताकत आएगी दिमाग में। वैसे गजाला से तेरी जम जाएगी, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा अब नहीं लगता तुझे? तब तो तू बड़ा कहा करती थी कि बशारत ये शहनाज की जो छोटी बहन है ना, ये तो तेरे लिए ही बनी है। जैसे फवाद और मायरा की जोड़ी है ना, वैसी जोड़ी होगी तेरी इसके साथ। अब क्या हुआ? हाँ हाँ गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन वो लड़की तो बहुत तेज है भाई, बहुत ही तेज है। याद नहीं है ईद पे जब हम उसके लिए वो जोड़ा चूड़ियां और कोन मेहंदी लेके गए थे, ऐसा गंदा सा मुंह बना के देख रही थी जैसे हम लोग कोई भिखारी हो। अच्छा भाभी पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो फोन पर बहुत मीठी बातें करती है। मीठी बातें ड्रामा सारा। तुझे कोई लड़कियों की कमी है मुझे बता है? कितनी लड़कियों का तुझ पे दिल अटका है पता है कुछ तुझे? ये तो हम ही है मासूम, 14-15 साल में शादी हो गई, फिर बच्चे पैदा हो गए, हमें क्या पता दुनियादारी के बारे में। लेकिन ये जो लड़कियां हैं ना, ये बड़ी खुर्रांट हैं, इनको सब पता है। ये मर्दों के साथ बाहर काम करती हैं, इनके तो नृत भाव ही अलग होते हैं। नृत भाव? क्या नया लफ्ज निकाल कर लाई है भाभी। वैसे भाभी एक बात तो बता, कि तेरा बाप जो था वो कोई डांस डायरेक्टर तो नहीं था फिल्मों का? मरूम में जाने से पहले भी अच्छी खासी हिलजुल थी। बहुत बदतमीज कहीं का कुछ भी बोलता रहता है। कभी अपनी शर्ट को सूंघो, कभी अपने पास से आने वाली बदबू को पहचानो, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि रोज किस नए अजाब का मजा चखती हूं मैं। चाय पियोगे? मेरी अम्मी दूध पत्ती बहुत अच्छी बनाती है। मजाक कर, मत पियो। अच्छा मेरा एक दोस्त था इश्तियाक काना, उसका सोने में तोले जाने वाला एक कॉल है। ये लड़की की मेहरबानी के पीछे छुपे हुए शर्त से बचो, इसलिए जरा झिझक गया था। और आपस की बातें जरा सा शर्मा भी गया था। चलो चाय में इलायची डाली। अरे चचा गलत निशाना ले रहे हो, गेम खराब हो जाएगा। जरा तमीज से। हाँ चचा मैं बता दूँ, ये यहाँ पे स्ट्राइकर रखा और ये काली वाली थी ना आपकी? नहीं सफेद वाली थी। अबू मैं जीत गई, कितने अच्छे हैं ना आप। थैंक यू। सॉरी चचा। चचा किस रिश्ते से बोल रहे हो? भाई अजनबी जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको या तो मैं चचा कहता हूँ या खालू। इनकी पर्सनालिटी पे चचा सूट कर रहा है। नहीं मेरे ख्याल से खालू बेहतर रहेगा। अच्छा लोग खालू कह रहे थे। अब अबू ये मेरे साथ कैफे में होते हैं, बशारत। अस्सलाम वालेकुम। हमारे दूध वाले का नाम भी बशारत। अच्छा वाह क्या पप्पा 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 पप्पा, कैसी हो तुम, कैसी हो?
यार पुप्पा मैं तो दीवाना हो गया। वो जो कल तुमने चिटचैट पे अपनी वीडियो अपलोड की थी ना, जिसमें अनारकली के मकाल में बोल रही हो, क्या वीडियो थी यार। नहीं नहीं मैं तो नहीं थी, मैं क्यों करूंगी, है ना ताशी? हाँ पुप्पो, नहीं कोई और होगा। अरे नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल तुम ही लग रही थी। यार क्या कमाल वीडियो थी, कसम से मुझे ऐसी कॉमेडी वीडियोस इतनी अच्छी लगती है ना। मेरे एक दोस्त ने फॉरवर्ड की थी मुझे, मैंने बंस रोड के जितने दोस्त थे ना सबको फॉरवर्ड कर दी है, सबको बहुत अच्छी लगी है। पुप्पो देखो तुम ही थी यार, क्यों मजाक कर रही हो। ये देखो एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखें जी, अभी आते हुए देख रहा था मैं। अरे खीरा दुपट्टा, अरे भाई हमारी आपा तो बहुत टैलेंटेड निकली, हमें तो पता ही नहीं था। आखिर वीडियो किसने बनाई है? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम एक जाहिल पड़ोसन हो। कैसे राज तुमने सारे एक्सपोज कर दिए मुझे। चले जी, गेम लगाई जाए अगली। इस पर काली वाली आपको लेते हैं तो चाहिए। ये रही क्वीन। वैसे खाला, इनकी राय पर कुछ खास एतबार नहीं है, सच बोलूं तो काम में भी ऐसी ही है बस। एक बर्गर ओवन में रखती है ना, उसको निकालने में इतना वक्त लगा देती है कि मैं 5 कस्टमर निपटा चुका होता हूं तब तक। सामरी ने आपकी चाय की जितनी तारीफ की थी ना, उससे कई ज्यादा कातिल निकली है। सामरी। जोड़े में तो बिल्कुल मतीरा जैसी स्मार्टनेस लग रही है खाला। स्मार्टनेस की बात करो। मतीरा, ये मतीरा कौन है? मुझे याद नहीं आ रही। वो रात में जो वो अम्मी, जहन पर जोर मत डाले। से कमाल का कैरम खेलते हो, बड़े अरसे बाद गेम का मजा आया। आलू सच्ची बात बताऊं, बड़े अरसे बाद कोई अच्छा आड़ी मिला है मुझे, खेलने का मजा आया। लेकिन अब आ जाया करूंगा, खेला करेंगे कैरम। हैं कोई अच्छी स्कोर की थी ना, ये फटाक।